दोस्तों आज हम यहाँ पर करने वाले हैं Redmi 9i का फुल कैमरा टेस्ट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और इसमें आपको साथ में 13 मेगापिक्सल का एक बैक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर करूँ मैं बात यहाँ पर इसमें स्पेक्स के बारे में, तो इसमें आपको सारे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। बट दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर जो आपकी इमेज स्टेबलाइजेशन होती है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिलती, ना ही आप इसमें 4K वीडियो शूट कर सकते हो। चलिए दोस्तों बाकी बात हम यहाँ पर कैमरा टेस्ट में ही कर लेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट सैंपल शॉट जो मैंने लिया है वो यहाँ पर एक जंगल में लिया था, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा धूप है। और वैसे ही इस फ़ोन ने दोस्तों वापसी हमें रिज़ल्ट भी दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दोस्तों ठीक है इस फ़ोटो में, लेकिन जो दोस्तों मुझे कमी लगी, जब आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें डिटेल्स की काफ़ी कमी देखने को मिल जाती है। दोस्तों डिटेल्स के मामले में ये फ़ोन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वैसे भी इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस शॉट में दोस्तों कलर्स काफ़ी अच्छे दोस्तों इस फ़ोन ने प्रोड्यूस किए हैं, हर फोटो में दोस्तों कलर्स काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस कर लेता है। लेकिन दोस्तों जो अगेन इसकी जो दोस्तों डिटेल्स है वो यहाँ पर हर फोटो में मुझे यहाँ पर मिसिंग होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यार इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी दूर यहाँ पर पहाड़ियाँ है, लेकिन जब मैंने Realme C12 का टेस्ट किया था तो उसमें दोस्तों जो डायनामिक रेंज थी उस फ़ोन की काफ़ी अच्छी थी, वो भी दोस्तों इसी रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी दोस्तों डायनामिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं सब कुछ वॉश हो चुका है बैकग्राउंड से। दोस्तों ये यहाँ पर सैंपल शॉट मैंने एक बार और लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पिछली साइड यहाँ पर वाइट वॉश जैसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये इस फ़ोन की दोस्तों दिक्कत है। और इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हैं जो कि एक स्कूटर की फ़ोटो है, जो दोस्तों कलर्स है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों अगेन ऊपर जो स्काई है वो यहाँ पर वाइट वॉश उसमें लग चुका है। तो ये दोस्तों इस फ़ोन की एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये है यहाँ पर इसका वीडियो सैंपल, और इस वीडियो सैंपल में आप देख सकते हैं कि जो कलर्स है काफ़ी अच्छे हैं, फोकस दोस्तों बहुत जल्दी ये फ़ोन ले लेता है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ Redmi 9i के बैक कैमरे से, और इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जिसमें आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन के जो इंटरनल माइक है उससे ही मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस फ़ोन में आपको कोई भी बैक कैमरे में तो मैं बोलूँगा कि कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो उसका मैं वीडियो सैंपल नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें और उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। इस फ़ोन में दोस्तों आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता और ना ही आपको इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन देखने को मिलती है। दोस्तों इस सैंपल शॉट में आप देख सकते हैं कि जो कलर्स वगैरह है वो उतने अच्छे यहाँ पर नहीं आए हैं, वो मुझे पता नहीं दोस्तों क्यों नहीं आए, थोड़ी दोस्तों लाइट की कमी है शायद से इसलिए। लेकिन जैसे ही आप HDR मोड दोस्तों ऑन करोगे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और डिटेल्स में भी यहाँ पर काफ़ी इजाफा हो चुका है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको एक पोर्ट्रेट शॉट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मैं बोलूँगा दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट का ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो आप बैकग्राउंड ब्लर देख रहे हो वो यहाँ पर आर्टिफिशियल सा आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट है, और इस पोर्ट्रेट शॉट में आप देख सकते हैं जो डिटेल्स है दोस्तों बहुत कम है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ तो पत्ता ही ब्लर हो चुका है, तो क्या ही बोले। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सैंपल शॉट दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस फ़ोन में दोस्तों आपको बेकार सी सेल्फी देखने को मिलती है, तो ये फ़ोन आप सेल्फी के लिए मत ही लीजिएगा। तो दोस्तों बात करें इस फ़ोन के कैमरा रिज़ल्ट की, तो इस प्राइस रेंज में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा कैमरा फ़ोन है। मैं सिर्फ दोस्तों कैमरे के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी ओर से दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैमरे से रिलेटेड फ़ोन खरीदने आए हैं तो इस फ़ोन को आप दूर दूर तक मत देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैमरा टेस्ट के साथ।